सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूँ रियान और आप देख रहे हैं फन रूम किचन ब्लॉग। तो गाइस, आज बनने जा रहा है चिकन चीज़ कीमा पराठा। मैं इसे बनाने के लिए सबसे पहले 250 ग्राम चिकन कीमा ले लेना है एंड उसे गाइस धो लेना है सबसे पहले। तो देन गाइस इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देना है 1 चम्मच। देन गाइस 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। देन गाइस 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और गाइस 1 चम्मच नमक डाल देंगे। देन गाइस 1 चम्मच ब्लैक पेपर डाल देना है। देन गाइस 1 चम्मच सोया सॉस डाल देना है इसमें। एंड गाइस 1 अंडा तोड़ कर डाल देना है इसमें। अब गाइस इसे अच्छे से मिला लेंगे। एंड गाइस इसे अच्छे से मिक्स करना है मसाले को। देन गाइस अबे हमें जो ना 1 घंटे के लिए इसे मैरिनेट करने के लिए रख देना है। अब गाइस बड़ा बाउल ले लेना है एंड उसमें एक छोटा बाउल मैदा डाल देना है। देन गाइस 1/2 चम्मच नमक डाल देना है, 2 पिंच बेकिंग पाउडर और 1 पिंच बेकिंग सोडा डाल देंगे। गाइस अच्छे से मिक्स कर लेना है आटे के साथ नमक और सोडा वगैरह को। देन गाइस इसमें थोड़ा सा तेल डाल देना है, वेजिटेबल ऑयल डालना गाइस। अब इसे हाथ से थोड़ा मिक्स कर लेंगे। देन गाइस इसमें पानी डाल डाल के इसका डो बना लेंगे गाइस अच्छे से। गाइस इसे पहले अच्छे से गूंदना है पानी डाल डाल के। गाइस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी से गाइस। गाइस हमें मैदे को अच्छे से गूंद लेना है एंड गाइस कुछ ऐसे गूंद लेना है। देन गाइस इसमें तेल डाल के ना अच्छे से गूंद लेना गाइस। एंड गाइस अब तेल डाल के अब गाइस इसकी मालिश कर लेंगे थोड़ी सी कुछ ऐसे गाइस। अब गाइस इसे भी 1 घंटे के लिए ढक के रख देंगे गाइस। अब गाइस ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 घंटे बाद। देन गाइस इसे फिर से ऐसे गूंद लेंगे। एंड गाइस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए। गाइस एक अपने पैन ले लेंगे एंड उसमें वेजिटेबल ऑयल डाल लेंगे। देन गाइस हमें प्याज को जो ना अच्छे से फ्राई कर लेना है कुछ ऐसा गाइस। गाइस प्याज को ना थोड़ा सा पका लेना है ऐसे फ्राई कर करके। एंड गाइस हमारी जो मिर्च है वो भी इसमें डालेंगे। गाइस मिर्च हमने मोटी मिर्च ली है, 1 मोटी मिर्च डाल देंगे गाइस काट के। एंड गाइस अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब गाइस हमारी जो मैरिनेट करी हुई चिकन थी उसे इसमें डाल लेंगे एंड गाइस इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गाइस हमारी वीडियो बहुत जल्दी चल रही है लेकिन आप इसे आराम से पकाएं। गाइस हमें ऐसे फ्राई कर लेना है। देन गाइस थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे। देन इसका ढक्कन हटाएंगे फिर से ऐसे मिलाने लग जाएंगे गाइस इसे। 5-5 मिनट के लिए गाइस इसे ढक के रखना है। एंड गाइस हमारे चिकन को जला रहनी है। देन गाइस में कीमा मसाला डालेंगे गाइस 1 चम्मच। देन गाइस अच्छे से फ्राई कर लेंगे मसाले को मिला के। एंड गाइस ऐसे मिलाते रहेंगे। अब गाइस हमारी चिकन पक चुका है। एंड गाइस अब इसे निकाल लेंगे अपने प्लेट में। गाइस कीमा कुछ ऐसा दिखेगा। अब गाइस हमारा जो डो था उसे ऐसे गूंद लेंगे मालिश कर करके, तेल डाल के मालिश करना गाइस एंड इसे गूंदना है अच्छे से। ऐसे खींच खींच के गाइस इसे गूंदना है। गाइस इसके पीसेस कर लेंगे हम ऐसे रोल करके। ऐसे गाइस हमारे 7 पीसेस हो गए। गाइस इसे भी ऐसे करके खींच के थोड़ा
ऐसे गोल करके, फिर गाय से बेल लेंगे हम, गाय से बड़ा करके बेलना है। ऐसे गाइस बड़ा करके बेल लेना है। अब गाइस इसमें कीमा डाल लेंगे हमारा जो बनाया था अभी। अब गाइस इसमें स्प्रेड किया हुआ मोज़रेला चीज़ डाल देंगे गाइस, ज़्यादा करके ही डालेंगे, कंजूसी नहीं करनी है। देन गाइस ऐसे फोल्ड कर देना है, जैसा वीडियो में देख रहे वैसे वैसे फोल्ड करना है। हम गाइस इसे साइड में रख लेंगे। हम गाइस सबको ऐसे बना लेंगे हम। इसमें भी ऐसे कीमा डाल लेंगे। देन गाइस चीज़ डाल देंगे एंड इसे भी ऐसे फोल्ड कर लेंगे। देन गाइस हम पैन ले लेंगे एंड उसमें वेजिटेबल ऑयल डाल लेंगे गाइस। हम गाइस हमारे पराठे को इसमें फ्राई कर लेंगे। हम गाइस लैडल से इसे मोड़ लेंगे, पलट लेंगे गाइस मतलब। एंड गाइस सारे साइड से इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है, क्योंकि गाइस अगर थोड़ा सा भी ऐसा रह गया कि पका नहीं तो ये गाइस कच्चा ही रह जाएगा। इसे हर साइड से गाइस फ्राई करना है, जैसे जैसे वीडियो में देख रहे हैं वैसे वैसे फ्राई करिए इसे गाइस। गाइस ऐसे खड़ा करके भी फ्राई करना है ताकि ये साइड से भी फ्राई हो जाए। तो गाइस हमारा बन चुका है, इसे प्लेट में ले लेंगे। गाइस हमारे सारे पराठों को ऐसे ही फ्राई कर लेना है। इसे भी पलटेंगे गाइस। ऐसे गाइस सारे साइडों से इसे भी फ्राई कर लेंगे। एंड गाइस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे। एंड गाइस अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो गाइस अब हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। एंड गाइस कमेंट में बताइएगा कि ये आपको कैसे लगी है वीडियो। ये भी बन चुका है, अब गाइस हम ये खाएंगे। तो गाइस अब हम इसे खा के देखेंगे। एंड गाइस आप देखिए कितना चीज़ी बना है, मैं इसे खा के देखता हूँ। गाइस यहाँ से मेरी मम्मी भी खाएंगी। एंड गाइस ये खाने में बहुत टेस्टी बना है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कितना टेस्टी बना है। गाइस ये देखिए कितना चीज़ी हुआ है। एंड गाइस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड गाइस कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।